ये बेटा बस ऐसे ही मतलब करते हैं दोस्तों। चुप रहो ठीक हो जाएगा। ये पहले हार जाता दोस्तों। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं अपन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज दोस्तों साल का आज से 2023 दोस्तों स्टार्ट हो गई है और अभी दोस्तों रात का 12 बजने वाली है, बस 5 मिनट बचा हुआ है दोस्तों 12 बजने में, वो भी हम आप सभी को दिखाएंगे हमारे मोबाइल में। और अभी दोस्तों हमारे हस्बैंड जी सो रहे हैं वो रूम पे, तो उनको दोस्तों हम विश भी अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को क्या बताएं, हमारे साथ इतना प्रॉब्लम, इतना कठिनाई है कि समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों अच्छा चलिए, अभी 12 बजने वाला और अभी हमारे घर में सभी लोग दोस्तों जागे हुए हैं, और क्या वजह है दोस्तों जागने का वो भी आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ टाइम कितना पक्का 12 बज गई है। तो दोस्तों आप लोगों को दिल से साल की पहली दिन है दोस्तों, तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर हमारे पूरे परिवार के तरफ से दोस्तों। और यहाँ पर ही मम्मी जागी हुई है, अंजलि जागी हुई है, क्योंकि ना बाबू का तबीयत हमारा कुछ सही नहीं है दोस्तों। अभी रात में ही हम लोग आए दोस्तों, मम्मी मतलब गई थी डॉक्टर के पास। ये देखिए बाबू को लेकर गोद में बैठी हुई है, बाबू का तबीयत एकदम मतलब गड़बड़ है दोस्तों। क्या बताएं, साल सब साल का एकदम अच्छे से आज साल स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम लोग के साथ इतना बुरा ही दिन जा रहा है कि क्या पता दोस्तों क्या होने वाला है, क्या नहीं होएगा। तो बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि हम लोग को उतना कष्ट ना दे, बस मिला जुला कर दे दोस्तों सभी को। सभी के ज़िंदगी में अच्छे से रहना चाहिए बस, और आप लोग भी अपने ज़िंदगी में अच्छे से रहिए, बस इतना ही बोलेंगे। और बाहर तो दोस्तों कोई केक कट रहा है बाहर में, मतलब हमारे घर के बाहर पर 12 बज रहा, तो 12 बज रात में कहाँ बाहर निकलेंगे। तो पीछे साइड केक कट रहा है, गाना भी बज रहा होगा, थोड़ा बहुत आप लोग को सुनाई देता ही होगा। तो अपनी मम्मी को भी दोस्तों हम हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, प्रणाम मम्मी, खुश रहो। और अंजलि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों सेम टू यू, हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर ना मम्मा, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से। अभी बाबू का भी तबीयत खराब है, 3 मिनट बाकी है इसलिए नहीं हो गया घड़ी वाला टाइम में। बाबू का भी तबीयत खराब है ना मम्मी, बाबू का भी तबीयत खराब है, डॉक्टर पास से भी लेकर आई। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी से हम सुबह में मिलेंगे, और हमारे हस्बैंड जी तो सो रहे हैं दोस्तों, वो अभी सो रहे हैं, और पापा भी वही रूम पे सो रहे हैं, तो जाएंगे तो पापा डांटेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले पापा पास भी जाएंगे ही अभी, तो आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि पापा डांटे चाहे कुछ भी करे पर पापा पास जाएंगे अभी। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा रात है, 12 बज रही है दोस्तों, और पटाखा उटाखा पूरा फूट रहा है दोस्तों। हमारे ही घर में खाली एक सुन सन्नाटा है दोस्तों, पर क्या कर सकते हैं, भगवान चाहेंगे दोस्तों तो हम भी सुबह तक में दोस्तों एकदम खुश हो जाएंगे, हमें तो पता नहीं। और मम्मी को भी विश कर दिए हैं दोस्तों, आज कुछ भी हो, दुख हो चाहे सुख हो दोस्तों, पर हंस कर खेल कर अपना आज का पहला दिन दोस्तों काटना है। और चलिए चलते हैं पहले अपने हस्बैंड जी पास और पापा को प्रणाम करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पापा है, नाम पापा नहीं बोले खुश रहने, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए दोस्तों पापा से भी आशीर्वाद ले लिए और अपने हस्बैंड जी से भी आशीर्वाद ले लिए कि साल का पहला दिन अच्छे से कटे। और उन लोग तो सो गए हैं दोस्तों, उन लोग को उठने का नाम ही नहीं सोने के बाद एक बार। तो चलिए अभी मतलब जो भी थोड़े बहुत फैमिली है ना दोस्तों, उन लोगों से बात कर लेते हैं आज, उन लोगों को भी अपने
हम लोग उन लोग से भी दोस्तों बात करेंगे और सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं दोस्तों। हमारे सारे YouTube फैमिली और हमारे जितने भी अपने फैमिली YouTube फैमिली सभी लोग हमारे अपने ही फैमिली है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी। फ्रेंड अभी ना सुबह का टाइम है तो हमने दोस्तों देखिए अचानक मेरे बाबू को तबीयत खराब हो गया दोस्तों। चलो ना कि जाते हैं पापा का गाड़ी जाने दोस्तों। पापा गएंगे टेम्पो लाने के लिए और बाबू को मेरी तबीयत खराब नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है दोस्तों, लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल दोस्तों। कम था तो इसलिए हम आपको नहीं बता रहे थे, पर दोस्तों आप लोग को पता ही है कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, पर हमारे लिए तो हैप्पी न्यू ईयर से भी बढ़ के खुशी की बात है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब जो डॉक्टर से दिखा के लाए वही डॉक्टर कभी फोन किए सुबह सुबह की ऐसा ऐसा बात है, जब दवाई पी है ना ही उठ रही है ना ही रो रही है, खाली थोड़े आराम से खाली सोई हुई है। तो क्या बोला? बोले कि डॉक्टर बोले कि उसको अंदर से कुछ प्रॉब्लम होएगा इसीलिए वो सो रही है। तो जाकर वो अच्छे डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाके हम वो बोले, हम पहले ही बोले थे कि उसको भर्ती करना पड़ेगा, अगर दवाई एक दो बार दे के देखिए नहीं अगर कंट्रोल थोड़ा भी लगेगा तो इसको भर्ती करना पड़ेगा। वैसे हम फोन किए तो वो ऐसा ऐसा बात बोले तो मम्मी बोली ठीक चलो तब लेकर हॉस्पिटल, ना ही दूध पी रही है देख सकते हैं दोस्तों, एकदम उठ ही नहीं रही दोस्तों, कुछ चाल चपट कुछ नहीं। बेटू बेटू ये बेटा बस ऐसे ही मतलब करते हैं दोस्तों। अब लेके चलना है, चलो लेके पापा आएंगे आए लेके। तो दोस्तों सुबह भी हो गया है मतलब 6 बज गया दोस्तों सुबह सुबह। चलिए दोस्तों लेके चलो दोस्तों, देखिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। चलो चलो ना, चलो ना पहले चलते दोस्तों, हम जा रहे हैं लेकर हॉस्पिटल। दोस्तों हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इधर है बोला कोविड वाला जिधर था उधर तो निकल रहा है। चल तो देख सकते हैं हम जा रहे हैं पर्ची बनाने के लिए इमरजेंसी वाला में, इमरजेंसी में आए दोस्तों, भर्ती लगी दोस्तों, बोले भर्ती लेंगे डॉक्टर साहब। देखिए हम पर्ची कटवा ली हैं, अब लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास दोस्तों। और निशा जी और मम्मी आई हैं साथ में आज, है ना, क्योंकि हर बार तो मम्मी ही साथ देती है दोस्तों, क्या करें, हमारे साथ दुख ही दुख लिखा है दोस्तों, खुशी का जिंदगी कभी नहीं लगता है अगर उसको, क्या करें। ठीक हो जाएगा, चुप रहो ना, ठीक हो जाएगा, चुप रहो ठीक हो जाएगा, एडमिट ले लिया ना ठीक हो जाएगा। है
ये पहले हार जाता है। कुछ नहीं यहाँ के कुछ नहीं यहाँ रहता ना तो रहते से बढ़िया से जाए हम जानते हैं ना कुछ नहीं वहाँ मेरा बच्चा वो भी जाए। दोस्तों देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब भारती लिख दिए हैं, डॉक्टर साहब भारती भी ले लिए हैं दोस्तों, और अभी सीरियस है बच्चा दोस्तों, अभी क्या कहें हमारे साथ ही सब कुछ ऐसा क्यों होता। तो दोस्तों भारती ले लिए हैं, अब तो डॉक्टर साहब आएंगे 10 बजे दोस्तों, उसके बाद जांच पड़ताल करेंगे दोस्तों, उसके बाद ना पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों आप सभी से मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।